हमारी इस दुनिया में 195 देश हैं और हर एक देश की एक अपनी अलग सभ्यता और इतिहास रहा है। आज हम आपको ग्रीस देश के इतिहास की एक ऐसी लड़की की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, ग्रीस के इतिहास में इस लड़की को मेडुसा के नाम से जाना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि मेडुसा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी एक झलक देखते ही हर कोई अपनी होश गंवा बैठता था। लेकिन शायद मेडुसा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर मेडुसा की जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसकी वजह से एक खूबसूरत लड़की एक खौफनाक राक्षसी में बदल गई। मेडुसा की खूबसूरती ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन गई। कहा जाता है कि मेडुसा जब एक खूबसूरत लड़की से एक राक्षसी में बदली थी तो उसकी आंखों में एक नजर देखने से ही कोई भी इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाया करता था। और इसके साथ ही साथ मेडुसा के सिर पर बालों की जगह भयानक विषैले सांप रहते थे जो कि करीब आने वाले किसी भी इंसान को डसकर अपने जहर से ही मार दिया करते थे। हालांकि मेडुसा को जान से मारने के लिए ग्रीस के कई महान योद्धाओं ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन मेडुसा को मारने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो राजा मारने के लिए उसके पास भी गए वो कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। उनमें से कुछ लोग पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए और कुछ लोग बेमौत मारे गए। दोस्तों, अगर आप मेडुसा की रहस्यमय जिंदगी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, मेडुसा ग्रीस के इतिहास की सबसे सुंदर लड़की थी। उसका जन्म समुद्री देवताओं पुराइसिस और खेतों के यहाँ हुआ था। आपको बता दें कि मेडुसा के अलावा उसकी दो बहनें थी जिनके नाम यूरेले और स्थेनो थे। मेडुसा बचपन से ही मामूली लड़कियों की तरह रहा करती थी। उसकी बाकी दो बहनें स्थेनो और यूरेले दिखने में बेहद डरावनी थी। मेडुसा एथना नाम की एक यूनानी देवी की भक्त थी। एथना ग्रीस के देवता ज्यूस की बेटी थी और ज्यूस अपनी बेटी एथना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से बहुत शक्तिशाली बनाया था। दोस्तों, ग्रीस की पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एथना बचपन से बहुत बहादुर थी और युद्ध और शिल्प कलाओं में भी काफी माहिर थी। अगर आप ग्रीस के इतिहास पर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि ग्रीस की देवी एथना की मूर्ति आपको एक कवच और तलवार लेते हुए दिखाई देगी और ग्रीस की देवी एथना के कई मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों, मेडुसा बचपन से ही देवी एथना की बहादुरी भरी कहानियां सुना करती थी और फिर वो देवी एथना को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। मेडुसा जैसे जैसे दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उम्र के साथ उसकी खूबसूरती भी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब हर कोई उसे पाना चाहता था। मेडुसा जब समझदार हुई तो उसने फैसला किया कि वो देवी एथना की ही सबसे बड़ी पुजारन बनेगी। लेकिन उस समय देवी एथना की पूजा करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे कि पूजा करने वाले का मन एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर कोई लड़की देवी एथना की पूजा करती है तो उसका चरित्र भी साफ सुथरा होना चाहिए और उसका किसी भी मर्द से संबंध नहीं होना चाहिए। मेडुसा भी देवी एथना की पूजा करने के इन कड़े नियमों से साफ साफ वाकिफ थी और बचपन से ही वो उन नियमों का पालन भी करती आ रही थी, इसलिए मेडुसा समय के साथ साथ देवी एथना की सबसे बड़ी पुजारन बन गई। इसके साथ साथ मेडुसा ने देवी एथना की पुजारन बनते ही अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया और देवी एथना भी मेडुसा की इस भक्ति भाव को देखकर उससे काफी खुश रहा करती थी। लेकिन मेडुसा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो भी लोग देवी एथना के मंदिर में उनकी पूजा करने आते थे वे सभी मेडुसा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाते थे। धीरे धीरे जब लोग मेडुसा को देवी एथना के पुजारन के रूप में जानने लगे तो ये कहने लगे कि मेडुसा तो देवी एथना से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है और मेडुसा के सिर पर जो सुनहरे बाल हैं वो मेडुसा की खूबसूरती पर और चार चांद लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि वो साक्षात किसी परी को अपने सामने देख रहे हैं। देवी एथना अपने भक्तों के द्वारा की गई इस तारीफ को सुनती रहती थी, लेकिन उन्हें एक बात गंवारा नहीं होती थी। लेकिन उन्हें ये बात गंवारा नहीं हुई कि देवी एथना के भक्त उनके अलावा किसी और की खूबसूरती की तारीफ करें। देवी एथना धीरे धीरे मेडुसा की खूबसूरती से जलने लगी थी, लेकिन वो मेडुसा के भक्ति भाव को देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समय के साथ साथ जब ये सब कुछ बढ़ता चला गया और अब ज्यादा से ज्यादा लोग देवी एथना के मंदिर में उनकी पूजा करने के बजाय मेडुसा को निहारने के लिए आते थे, तो एक दिन देवी एथना काफी गौर से ये सोचने लगी कि वो मेडुसा का क्या करें। उसी वक्त समुद्र के राजा ने पोसाइडन ने देवी एथना को काफी परेशान देखा, लेकिन उस समय पोसाइडन और एथना के बीच एक युद्ध को लेकर काफी दुश्मनी चल रही थी और युद्ध देवी एथना ने जीता था और पोसाइडन ने उस युद्ध में देवी एथना से हार मान ली थी। लेकिन पोसाइडन एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो देवी एथना से अपनी हार का बदला ले सके। इसी बीच पोसाइडन ने देखा कि देवी एथना का पूरा ध्यान उसकी सबसे बड़ी भक्त मेडुसा पर है। तभी पोसाइडन ने ये सोचा कि मेडुसा देवी एथना से बदला लेने के लिए एक अच्छा जरिया बन सकती है। एक दिन की बात है जब मेडुसा देवी एथना की पूजा करने के लिए कुछ सामान लेने मंदिर से बाहर गई, तब पोसाइडन ने मेडुसा को पीछे से आवाज दी और मेडुसा जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने समुद्र की एक बड़ी सी लहर दिखाई दी और अचानक पोसाइडन मेडुसा के सामने आया और पोसाइडन अपनी खूबसूरती और शक्तियां दिखाकर मेडुसा को अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहा, लेकिन मेडुसा उसके लिए राजी नहीं हुई।
मेडुसा के मना करने के बावजूद भी पोसाइडन इतना कामुक हो गया कि वो मेडुसा के साथ जबरदस्ती करने लगा, और इसी बीच दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मेडुसा पोसाइडन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर देवी एथना के मंदिर में चली गई। पोसाइडन मेडुसा की खूबसूरती को देखते हुए मचल उठा, फिर वो मेडुसा का पीछा करते करते देवी एथना के मंदिर पहुंच गया। मेडुसा ने पोसाइडन से बचने के लिए देवी एथना की मूर्ति के सामने कई बार मदद की भीख मांगी, लेकिन देवी एथना मेडुसा की मदद करना नहीं चाहती थी, जिसके बाद पोसाइडन ने जबरदस्ती मेडुसा के साथ बलात्कार किया और फिर वापस समुद्र में समा गया। अब उसने देवी एथना की सबसे बड़ी भक्त मेडुसा को सजा देकर देवी एथना से अपना बदला ले लिया था। पोसाइडन के जाने के बाद मूर्ति से देवी एथना प्रकट हुई और उन्होंने मंदिर को अपवित्र हो जाने की वजह से सजा देने का फैसला किया, जबकि इस पूरी वारदात में मेडुसा का कोई दोष नहीं था। देवी एथना ने सजा के तौर पर यह श्राप दिया कि वो अपनी आंखों से जब भी किसी इंसान को देखेगी तो वो एक इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा, और इसके साथ साथ मेडुसा के खूबसूरत घने बाल लंबे जहरीले सांपों में बदल जाएंगे। जब मेडुसा श्राप की वजह से एक राक्षसी में बदल गई तो वो खुद का हाल देखते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर ही जोर जोर से रोने लगी। इधर मेडुसा के दोस्त भी मेडुसा को ढूंढते ढूंढते देवी एथना के मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन मेडुसा चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं देख सकती थी, क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों को एक नजर भी देख लेती तो वो सभी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाते। फिर भी एक दोस्त ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मेडुसा के सिर पर मौजूद सांपों ने उसके दोस्त को डस लिया। उसके बाद जब मेडुसा अचानक पीछे मुड़ के देखी तो देखते ही देखते मेडुसा का दोस्त पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इसके कुछ समय बाद ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ लोगों ने एक भयानक चेहरे वाली राक्षसी को देखा है, जिसके सर पर बालों की जगह लंबे लंबे जहरीले सांप मौजूद है, और उसके एक नजर देखने पर ही कोई भी इंसान पत्थर में बदल जाता है। कई लोगों ने मेडुसा को पकड़ने के लिए उसका शिकार करना भी चाहा, और ये भी कहा गया था कि जो भी इंसान इसका शिकार करेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मेडुसा किसी भी इंसान को हरगिज तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए एक सुनसान जगह पर रहने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने मेडुसा का पीछा करना नहीं छोड़ा। कई बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं ने मेडुसा को पकड़ने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन मेडुसा ने युद्ध में सबको हरा दिया और फिर वहाँ से भाग गई। धीरे धीरे लोगों के दिलों में मेडुसा का खौफ बढ़ने लगा, और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से जाने जाने वाली मेडुसा दुनिया की सबसे खतरनाक राक्षसी के रूप में जानी जाने लगी। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेडुसा ने देवी एथना की भक्ति करनी नहीं छोड़ी, और देवी एथना से श्राप मिलने के बावजूद भी उनकी पूजा करती रही। ये सब कुछ देख कर देवी एथना को भी अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा कि कैसे वो एक देवी होने के बावजूद भी एक मासूम सी लड़की की खूबसूरती से जल गई। इसके बाद देवी एथना ने ज्यूस के नाजायज बेटे पोसाइडन को मेडुसा को मारने के लिए भेजा, ताकि मेडुसा को इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल सके। जब पार्सियस मेडुसा के पास गया तो हाथों में देवी का तलवार देखते ही समझ गया कि देवी एथना उसे इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहती है। इसलिए युद्ध में मेडुसा ने पार्सियस पर कोई हमला नहीं किया, और देखते ही देखते पार्सियस ने तलवार से गला काट दिया। उसके बाद देवी एथना ने मेडुसा के कटे हुए सर को अपने कवच में जोड़ दिया, और इस तरह देवी एथना ने मेडुसा की उसकी नरक भरी जिंदगी से मुक्त कर दिया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि वीडियो को देखने से पहले क्या आपको ग्रीस की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी थी या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।